लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देर हो रही है श्रीराम, सो जाओ। हाँ हाँ, क्या सो जाओ, सुबह पढ़ लेना। रुको तय, बस आधा घंटा और। अच्छा आधा घंटा और सही, लेकिन उसके बाद एक पल भी नहीं, समझे? कहता है गुरुदेव की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी प्रेरणा है तो सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर बेफिक्र क्यों नहीं हो जाता। पक्षी रात को अपने घोंसलों में विश्राम करते हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं? अर्थात श्रद्धा से ही अग्निहोत्र की अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी में हवि का भाग समर्पित होता है। हम उस श्रद्धा की स्तुति कर रहे हैं जो ऐश्वर्य के मस्तक पर विराजती है। हे श्रद्धा, तुम देने वाले को देय वस्तु का दान करो और उसकी अभिलाषित वस्तु भी दो। भोग और योग में से ही जिस किसी की भी प्राप्ति के लिए लोग आराधना करते हैं, श्रद्धा तुम उन्हें वही देती हो। भगवान वेदव्यास की जय हो। कल्याण हो। वेदों के उद्धार का संकल्प और संपादन का कार्य स्वरूप से भी और महत्व से भी बड़ा है पुत्र। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत हूं कि यह कार्य समय पर ही पूरा होगा। हाँ, वेदों का संहिता भाग मैं तुम्हें सौंपता हूं। लोक में जहां जहां भी वैदिक साहित्य मिलेगा उसकी पहचान इसी आधार पर करना है। ऐसा ही होगा ऋषिवर। ये भी ध्यान रखना है कि वेद विद्या अब सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। किसी काल में विपरी बुद्धि के कारण लगाया गया प्रतिबंध अब नहीं रहा। हाँ। लेकिन जन सामान्य की पहुंच से ये विद्या दूर है, इसीलिए ये दूसरे तरह का प्रतिबंध है। हाँ। दुर्लभ होने की बाधा भी मिटनी चाहिए। संहिता और अनुवाद का गठन इस तरह होना चाहिए कि सामान्य आर्थिक स्थिति का व्यक्ति भी उसे आसानी से पा सके। अब तक हुई चर्चा का सार यह है कि वैदिक साहित्य सर्वथा लुप्त नहीं है। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जिस युग में जैसी आवश्यकताएं होती हैं, उसी के अनुरूप संहिताएं लुप्त और प्रकट होती हैं। प्रायः सभी विद्वान इससे सहमत हैं। पंडित लक्ष्मण राव और पंडित दीनानाथ जी संहिताओं के शोध कार्य में पूरा समय देने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए यात्रा भी आवश्यक है। नासिक में वैदिक साहित्य घर घर में उपलब्ध है। प्रयाग में कोई कठिनाई नहीं है, वहां भी घर घर विद्यापीठ है। मैं मथुरा में रहता हूँ, वही आचार्य ऋषि का हाथ बटाता रहूंगा। विट्ठल जी तपोभूमि में ही निवास करने लगे तो अच्छा। आप जैसा आदेश दे वैसा हो जाएगा। इस मतवाद पर भी विचार होना चाहिए कि जर्मनी में वेदों की बड़ी मान्यता है। वहां का तानाशाह हिटलर वेदों का अध्ययन कर महाबली बन गया था। क्या हम भी वैसे ही बलि और प्रभावशाली बन सकते हैं?
और वेदों को चुरा ले जाने वाली बात? इस संबंध में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। सत्यभक्त जी ज्यादा जानते हैं। वेदों को भारत से चुरा ले जाने और उस आधार पर शास्त्र बना लेने की बात हमारे ही पौगा पंडितों की दिमागी उपज है। हिटलर को वेद तो क्या संस्कृत भी नहीं आती थी। सत्यभक्त जी, अगर ये बात सही है तो हिटलर ने हमारे स्वस्तिक चिन्ह को कैसे अपना लिया? वो स्वास्तिक नहीं है, वो ईसाइयों के प्रतीक क्रॉस का ही तांत्रिक रूप है। वैदिक वाङ्मय के अनुसंधान के लिए दक्षिण भारत में जाना होगा। वेदों के अध्ययन अध्यापन का वहाँ भी बहुत प्रचलन है। उसकी रूपरेखा बनाई जा चुकी है, हम लोगों ने तो वहाँ पत्राचार भी आरम्भ कर दिया है। दक्षिण भारत में कुछ समय के लिए यात्रा पर मैं भी निकलूंगा। कांची के संबंध में विख्यात है कि वहां का स्थापत्य वेद विद्या और पराशक्ति की प्रेरणा पर आधारित है। कांची में क्यों, पूना, तिरुपति, रामेश्वरम और मैंगलोर में भी जाना चाहिए, या वहां विद्वान प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए? कहां किन विद्वानों से संपर्क किया जाए, किसे भेजा जाए, ये निर्धारण इस अपरान गोष्ठी में कर लें तो कैसे रहेगा? हाँ ये सही है, ठीक है, ठीक रहेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? कुछ शोध अनुसंधान के सिलसिले में आया था। आपको आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य नहीं, मुझे हर्ष हो रहा है। पिछले सप्ताह गंगोत्री में था, वहां प्रेरणा हुई और निश्चय किया कि मैं अगले नवरात्रि आपसे मिलने आऊंगा। आइए, बहुत खुशी होगी, पूरे नवरात्र वहां रहिए। सो तो है, लेकिन अगले दिन ही कुछ सन्यासियों को कहते हुए सुना कि आप उस क्षेत्र में एक वर्ष के लिए आने वाले हैं। उससे क्या हुआ, जाना तो है। मैं उस संवाद से निराश हो गया। निराश इसलिए कि आपसे जल्दी भेंट नहीं हो पाएगी, और आज ईश्वर की कृपा देखिए कि वो हो गई। अब तो आप प्रसन्न है ना? क्यों नहीं, लेकिन आश्चर्य, मामला क्या है? सन्यासियों को आपके पहुंचने की सूचना कैसे मिली, और वो आपका इंतजार क्यों कर रहे हैं? प्रणाम मान्यवर। प्रणाम। मैं अपने गुरुदेव का एक संदेश लेकर आई हूँ। कहिए। पालार नदी के तट पर एक आश्रम है, वे वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें मेरी यात्रा की जानकारी कैसे मिली? ये तो वही बता सकते हैं। अगर उन्होंने बिना बताए ही मेरे यहाँ होने की बात कर ली, तो ये भी बताइए कि उनके बुलाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो मुझे पता नहीं है, वो मेरे गुरुदेव हैं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, आप किसी महाकार्य में लगे हुए हैं और वो उस कार्य में आपका हाथ बटाना चाहते हैं। अवश्य ही वे कोई महान आत्मा होंगे, मैं उनके पास अवश्य चलूंगा। बताइए कब चलना है? जब आपको सुविधा हो, यथासंभव शीघ्रता करें। हम अभी भी चल सकते हैं। ये तो अति उत्तम है, चलिए। आइए। प्रणाम गुरुदेव।
आचार्य श्रीराम शर्मा जी। आइए आचार्य श्री, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आपकी प्रतीक्षा पूरी हो गई ना? बहुत सुंदर स्थान है, प्रकृति के आंगन में बसा है। प्रणाम श्रीमान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें अतिथि। प्रणाम शुक्राज। आशा है आप प्रसन्न होंगे। हाँ प्रसन्न हूँ। ये तोता पाला हुआ है क्या? नहीं, सब पक्षी यहाँ प्रेम से आमंत्रित हैं, इसी नाते आमंत्रित हैं। मैंने कोई भी जीव को पाला या बांधा नहीं है। बहुत शिष्ट और शालीन है यहाँ के पक्षी। आपको आश्चर्य हुआ होगा, मैंने अमृता को आपके पास भेजा, मैं स्वयं ही क्यों नहीं आया? नहीं, समझा था कि अमृता किसी आश्रम से आई है। यहां आकर देखा तो लगा कि शायद आप बस्ती में नहीं आते। आप ठीक समझे, पिछले 12 साल से मैं इस जगह से बाहर नहीं निकला। प्रभु बस यही योगक्षेम पूरा कर देते हैं। आपके बुलाने का ढंग और यहां का परिवेश देखकर लगता है मुझे अपनी यात्रा का प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, आइए आचार्य श्री। चलिए आइए। वेदों का कुछ संहिता भाग है, ये आपके उपयोग में आएगा। लगता है ये संहिताएं आपके पास बहुत समय से सुरक्षित हैं। हाँ, मैंने इन्हें अपने गुरु से प्राप्त किया था और उन्होंने भी अपने गुरु से प्राप्त किया था। ये परंपरा से मेरे पास है। फिर आप इन्हें मुझे क्यों सौंप रहे हैं? मुझे अपने गुरु से ऐसा आदेश मिला है कि आपको सौंप दूं। ये शायद आप ही के लिए रखे गए थे। उनका यह भी कहना था कि इस कार्य में आपको सभी दिशाओं से सहयोग मिल रहा है। मेरा अपना भी यही अनुभव है। अब आज्ञा दें। नमस्ते गुरु। नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों को तो मालूम है ही कि कुछ दिनों बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। जी गुरुदेव। इस बीच संपादन का काम माताजी ही देखें। वेदों का काम एक अंश तक पूरा हुआ, हमारे यहां न रहने पर भी छपाई आदि चलती रहेगी। और गुरुदेव संपादन? संहिता के अनुवाद संपादन का काम इतना करके रख दिया है कि पूरे वर्ष तक मुद्रण की प्रक्रिया चलती रहे। और गुरुदेव उन्हें अंतिम रूप देने के लिए? माताजी है ना, गायत्री माता के काम को विस्तार देने के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से काम करती रहेंगी। इस बीच कमान उन्हीं के हाथों में है, समझो। और गुरुदेव जिन दिनों आप प्रवास पर होते हैं उन दिनों भी हम सभी कार्यकर्ता उन्हीं पर निर्भर करते हैं। हाँ आओ चले। आचार्य श्री की ये यात्रा पिछली यात्राओं से कहीं अधिक दुष्कर थी। मार्ग भी भिन्न था और संग साथ कोई नहीं। गंगोत्री और गोमुख से आगे कुछ दूर तक तो इक्का दुक्का साधक योगी मिले, लेकिन उससे आगे की यात्रा में बर्फ ही बर्फ थी। कभी कदा हरियाली भी दिखाई दी, लेकिन कुछ पल के लिए। बहुत आगे चलकर एक सहचर मिला जो अपना परिचय दादा गुरु के संदेश वाहक के रूप में देता था। आचार्य श्री उसे वीरभद्र कहकर संबोधित करते थे।
प्रणाम श्री राम। आप? मैं दादा गुरु का संदेश वाहक वीरभद्र। आप मुझे वीरभद्र क्यों कह रहे हैं श्री राम? मैं गुरुदेव को भगवान शंकर के रूप में देख रहा हूँ। आप उनके संदेश वाहक हैं और भगवान शंकर के संदेश वाहक तो वीरभद्र ही कहे जाते हैं ना? वह चौखंभा शिखर है, पांडवों ने यहीं से शरीर यात्रा की थी, उन्होंने यहीं से स्वर्गारोहण किया था। आइए चलते हैं। आओ। प्रणाम योगीराज। प्रणाम। आयुष्मान भव। इस स्थान के बारे में बताएं, बहुत सुंदर है। श्री राम, आपने भागवत में कलाप ग्राम का उल्लेख तो देखा ही होगा। हाँ, ये वही स्थान है जहाँ ऋषि मुनि और सिद्ध संत मिल बैठते हैं, पृथ्वी पर आने वाले संकटों और परिवर्तनों के संबंध में विचार करते हैं। हाँ, ये वही स्थान है। वे सूक्ष्म जगत में परिवर्तन लाने के लिए भी विचार करते हैं। भागवत में आपने ये भी पढ़ा होगा कि नारद आदि ऋषि यहाँ अब भी आते रहते हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भाव। हम लोग भागवत के उल्लेख की चर्चा कर रहे थे, आप तो यहाँ उपस्थित है ही। नारायण नारायण। उस प्रसंग में जिस नियम का उल्लेख है उसी के अंतर्गत ऋषि मुनि यहाँ एकत्रित हुए हैं और सूक्ष्म जगत में संतुलन बनाए रखने का विचार कर अभी अभी उठे हैं। उस विचार और निष्कर्ष से मुझे अवगत कराएंगे ऋषिवर? क्षमक ऋषि राम, ये सूचना तो आपको मार्गदर्शक सत्ता से ही मिलेगी। मैं तो आपका अभिवादन करने के लिए आया था।